गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डेट इज संदली व्लॉग्स. गाइज, इफ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द चैनल वेर यू गेट ऑल द फैशन, ट्रैवलिंग, लाइफ स्टाइल वीडियोज. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. और अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो. जैसे कि टाइटल में मैंशन है, आई वॉन्ट टू शेयर वन होम रेमेडी टिप फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे आप 5 मिनट में अपने घर में ही फेशियल कर सकते हैं. गाइज, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, इस टाइम कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है. आप कहीं सैलून पार्लर्स नहीं जा सकते हो, ना ही आप किसी को घर पर बुला सकते हो. सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन डू योर स्किन केयर. आप अपनी स्किन का खुद ही ध्यान रख सकते हैं. और मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एक टिप, जहां पे आप 5 मिनट में ही अपना होम फेशियल कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है. आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं, या जो भी आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आप उसी से अपना फेस वॉश करिए. और उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे एक कटा हुआ टमाटो. ये इसके स्किन पे हम इस तरह से इसको रब करेंगे. गाइज, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन की पिगमेंटेशन, हमारे स्किन के पिम्पल्स, हमारी स्किन की टैनिंग सब कुछ रिमूव करता है. तो गाइज, इससे हम इस तरह से चेहरे पे इसको रब करते रहेंगे. गाइज, इसको आईज के नीचे भी करिए, क्योंकि ये डार्क सर्कल्स रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है. गाइज, मैंने आप देख सकते हैं टोमेटो को पूरी तरह अपने फेस पे रब कर दिया है. और अब मैं अपने हैंड से ही इसको और 2 मिनट की या 1.5 मिनट तक की मसाज करूंगी, ताकि ये मेरी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए. गाइज, ये देख सकते हैं आप, टोमेटो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है. और अब हम अपने स्किन को देंगे एक हॉट स्टीम. तो मैंने ये कॉटन का हैंकी टाइप ले लिया है, जिसको मैं अपने फेस पे इस तरह से रख दूंगी. मैंने इसको हॉट वाटर में भिगो दिया था. सो गाइज, अब हम इससे अपने फेस को पूरी तरह क्लीन कर लेंगे. आप देख सकते हैं, मैंने ये सारा पोंछ दिया है. और इससे अब गाइज, हम अपने फेस पे लगाने वाले हैं ये एलोवेरा जेल. मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा. आपके पास अगर कोई और ब्रांड का है तो आप वो भी ले सकते हैं. अगर आपके पास में नेचुरल प्लांट से लिया हुआ है, आपके घर में अगर एलोवेरा का प्लांट है तो आप वो लें तो सबसे बेस्ट है. तो ये मैं अपने हैंड पे थोड़ा सा, आप देख सकते हो, मैं इस तरह से ये ले रही हूँ. और गाइज, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फॉर समर्स. गाइज, इसमें हम मिक्स करने वाले हैं एक पाउडर, जो कि इसको स्क्रब बनाएगा. मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा है वो पाउडर. सो गाइज, आई हैव राइस फ्लोर विद मी. ये मैंने घर पे ही बनाया है. इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ. आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में इसी तरह से अवेलेबल है. अगर नहीं है आपके पास और आप घर में बनाना चाहते हैं, तो आप राइस को, एक कटोरी राइस को भिगो दीजिए पानी में, उसे 8 से 10 घंटे के लिए रखिए. और उसके बाद में उसका पानी निकाल के उसे एक कपड़े पे सुखा दीजिए. मतलब धूप में नहीं रखना है, आप रखिए घर में ही, लेकिन उसको सूखने दीजिए ताकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाए. और फिर उसके बाद में आप उसको मिक्सी में पीसेंगे तो इस तरीके का पाउडर बन जाएगा. गाइस, एज यू कैन सी, मैंने एलोवेरा जेल के साथ में राइस फ्लोर मिक्स कर दिया है और ये अब एक स्क्रब बन जाएगा. इसको हाथों से ही मैं लगाने वाली हूँ. गाइस, एलोवेरा जेल एंड राइस फ्लोर दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं. दोनों ही हमारी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देते हैं और हमारी सारी टैनिंग रिमूव करते हैं. तो गाइज, आप देख सकते हो, मैं इस तरह से लगा रही हूँ. और अब आपको फिर इसी तरह से अपने चेहरे पे 2 मिनट तक की मसाज करनी है. गाइज, आप देख सकते हो, मैंने अपना फेस जो है इस टाइम वॉश कर लिया है. एंड कैन यू सी द डिफरेंस, कैन यू सी द इंस्टेंट ग्लो. और टैनिंग सारी रिमूव हो चुकी है, यू कैन सी. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो गाइज, इसको शेयर भी कीजिए और लोगों के साथ में. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियोज लेके मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. गाइज, मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है sandli.official. मुझे वहां पे फॉलो कीजिए, मैं वहां पे बहुत सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ. आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो में. टिल देन, गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय.